हे गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो कहना है सब लोगों को सुप्रभात। फिलहाल सभी बातों को दरकिनार करते हुए हम लोग चलते हैं। आज का जो वीडियो है, संपूर्ण चैप्टर का एक ही वीडियो में कहानी होने वाला है, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव ठीक ठाक हो सके। आइए देखते हैं, ऊपर से ही हम शुरू कर देते हैं कहानी, कुछ भी ना छूटे, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम ना हो। डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो हमारे देश के राष्ट्रपति थे, और जब उन्होंने 1967 में राष्ट्रपति बने, तो राष्ट्रपति बनने के बाद शपथ ग्रहण किए, और शपथ ग्रहण करने के बाद उन्होंने अपनी भाषण दिए, उसी भाषण को इस चैप्टर में लिख दिया गया है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का जन्म हुआ था 8 फरवरी 1897 में, और मर गए थे 3 मई 1969 को। भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है। हो डॉक्टर जाकिर हुसैन हैदराबाद में जन्म लिए थे, देख रहे होइएगा, यह महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे और प्रसिद्ध शिक्षाविद थे। सुनते रहिए कहानी। सबसे पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का जन्म हुआ है 1897 में, मर गए 1969 में, हैदराबाद में जन्म लिए थे। ये महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे, ये हमारे देश के प्रसिद्ध शिक्षाविद में से एक थे, ये भारत के राष्ट्रपति बने। उसके पहले भी बिहार के राज्यपाल के रूप में सेवा कर चुके थे। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और जब वो राष्ट्रपति बने तो हमारे कसम खाए कि हम अपने समय को त्याग और बलिदान कर देंगे, खुद को समर्पित कर देंगे अपने देश के संस्कृति के लिए, मान और मर्यादा के लिए। और उसके बाद बोलते हैं कि मुझे स्वीकार करना चाहिए, मुझे अवश्य ये मानना चाहिए कि लोगों ने मुझ में भरोसा करके मुझे सबसे ऊंच पद पर पहुंचा दिया है, आज राष्ट्रपति मैं बन गया हूँ। हुसैन जी बोल रहे हैं 1967 में, इसलिए मैं अपने लोगों से बहुत खुश हूँ और मैं अपने आप में रोमांचित हूँ, आज मैं गदगद हूँ। लेकिन हमसे जो पहले जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे राष्ट्रपति, उनको भी हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने राष्ट्रपति के कार्यभाल की अवधि में बहुत ही अच्छे से देश को सेवा किए। जब तक वह राष्ट्रपति रहे, हो मानव को हक मिले, मानवता सेवा से सबको समान मिले, सबको हक मिले, इससे कभी पीछे नहीं हटे। शायद जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे राष्ट्रपति दुनिया में शायद ही मिलेगा किसी देश को। ये बड़ाई कर रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। उसके बाद बोलते हैं, मैं तो केवल आप लोगों को आश्वासन दे सकता हूँ कि मैं अपने देश के संविधान के प्रति, संस्कृति के प्रति, रहन सहन के प्रति, पुराने रीति रिवाज के प्रति मैं अपने आप को न्योछावर कर दूंगा, मैं अपने समय को त्याग और बलिदान कर दूंगा, समय आने पर मैं खुद को भी बलिदान कर दूंगा। ऐसा बोलते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन जी बोलते हैं। और वह बोलते हैं कि मैं, ये जो राज्य है, पुराने लोगों का नया राज्य है, पुराने लोगों का नई राज्य है, और जो इतिहास में पहली बार हजारों वर्षों की अवधि में जो हम लोगों को ये मिला है, ये नई राज्य है, नई देश है, और कोई भी स्थिति परिस्थिति अपने अनुकूल चलती है सेवा करने के लिए, और समय की परिस्थिति के अनुकूल हमारा सेवा अपर्याप्त भी कभी कभी बन जाता है, और हमें बिल्कुल मेहनत करना चाहिए, और ख़ास करके किसी देश में नई नई क्रिया करनी चाहिए, क्योंकि वही नवीनीकरण की प्रक्रिया हमें जोड़ देती है, और वर्तमान का जो गुण होता है वो भविष्य के गुण में निहित होता है। अभी हम लोग काम करेंगे तो यही काम भविष्य में हमारे देश के लिए, समाज के लिए कल्याणकारी बनेगा, कल्याण का रास्ता खोलेगा। अगर लगातार नई काम कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा देश प्रोग्रेस हो रहा है, डेवलप कर रहा है। किसी भी राज्य में, देश में नई काम करना, नई खोज करना, नई काम करना, ये देश और राष्ट्र और समाज की उन्नति होती है। और फिर
बोले हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन कि मुझे क्षमा किया जाना चाहिए। हालांकि जो ये जो मैं बात बोल रहा हूँ, कोई भी आदमी जो बहुत पढ़े लिखा है, शिक्षित है, शिक्षित लोगों से मुझे बहुत लगाव है, मुझे गहरा संबंध है अपने लोगों से, क्योंकि किसी भी देश का मुख्य हथियार शिक्षा होता है, किसी भी देश का मुख्य हथियार शिक्षा होता है। और हम जानते हैं कि शिक्षा जो है ना, बिना शामिल किए हो, शिक्षा बिना शामिल किए किस में शामिल है, वर्तमान का गुण जो है ना, भविष्य के गुण में शामिल है। इसलिए मैं कसम खाता हूँ अपने पुरानी संस्कृति के प्रति, अपने पुरानी मान मर्यादा के प्रति, मैं अपने आप को त्याग बलिदान कर दूंगा। चाहे हमारा रहन सहन, चाहे हमारा संस्कृति कहीं से भी आया हो, जिस किसी ने दिया हो, लेकिन मैं जैसे भी मेरी संस्कृति, रहन सहन, मान मर्यादा शुरू हुआ हो, जो कोई शुरू किया हो, कहीं से भी आया हो, मैं उस संस्कृति के प्रति, संविधान के प्रति मैं अपने आप को समर्पित कर दूंगा। उसको नीचा नहीं दिखाने दूंगा, उसको नीचा नहीं गिरने दूंगा। उनकी मान मर्यादा के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा और काम करूंगा। न जाति देखूंगा, न धर्म देखूंगा, न रंग देखूंगा, न नस्ल देखूंगा। बिना जाति धर्म को, बिना रंग वर्ण को देखे हुए मैं अपने देश की सेवा करूंगा, अपने लोगों के कल्याण के लिए काम करूंगा, एक अच्छा और सुदृढ़ घर बनाऊंगा, ताकि जो है ना, हमारे यहाँ के लोग, हमारे देश के लोग सुंदर काम में व्यस्त हो जाए। और ऐसे भी काम के दो पहलू होते हैं, एक व्यक्ति अपने लिए काम करता है और दूसरा व्यक्ति समाज के लिए काम करता है। अपने लिए जो काम होता है वह भी लाभदायक है और समाज के लिए जो काम होता है वह भी लाभदायक है, दोनों लाभदायक है। अपने लिए कोई व्यक्ति काम करता है तो इसका मतलब होता है वह खुद को अपने लिए भी काम करेगा तो वह डेवलप पॉसिबल कर सकता है। लेकिन लास्ट में बोलते हैं डॉक्टर हुसैन जी, मुझे भरोसा है हमारे देश की जनता, हाँ ये ज़रूर है कि हमारे देश की जो जनसंख्या है बहुत ज़्यादा है और लगातार ये जनसंख्या क्या कर रही है, बढ़ भी रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लोगों ने चुना है और इस देश का एक निश्चित समय के लिए मुखिया बनाया है, हेड बनाया है, तो मेरा कर्तव्य यही है कि लोगों को कल्याण के लिए काम करे। हाँ देश में जनसंख्या लगातार बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम सभी लोगों को इस अच्छे से अच्छे काम में भाग लेना पड़ेगा, सभी बच्चों, सभी व्यक्ति को आकर्षक काम में भाग लेना पड़ेगा और जी जान से, तन मन से काम करना पड़ेगा। लेकिन जो हमारा परिस्थिति है वह कहती है काम करे, काम करे और ज़्यादा काम करे। काम ईमानदारी से होना चाहिए, ठोस होना चाहिए, चुपचाप होना चाहिए, काम में दिखावा नहीं होना चाहिए। सभी लोगों को मिलजुल कर काम करना होगा, क्योंकि काम हमारे सामने बहुत लंबा है और अगर हम सब लोग मिलजुल कर काम करेंगे तो गारंटी है हमारे देश, हमारा जो देश है तरक्की करेगा, हम लोग तरक्की करेंगे और हम अपने मंजिल को तुरंत छू लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। और हमें जो है काम में हमेशा पीछे बैठने की ज़रूरी नहीं है, क्योंकि समय जो है, परिस्थिति जो है, हमसे काम मांगती है, काम मांगती है, सिर्फ और काम, सिर्फ काम मांगती है। और किसी भी देश में नवीनीकरण की प्रक्रिया को लगातार जारी रखना चाहिए, क्योंकि उससे सुंदर ज़िंदगी बनता है। हो और कोई भी आदमी चाहता है कि हम डेवलप कर जाए, विकसित हो जाए, तो वह तब तक विकसित नहीं हो सकता है जब तक कि वह समाज में मिलजुल कर नहीं रहता है, समाज की मदद नहीं करता है, समाज से मदद नहीं लेता है। कहावत है, कतनो उड़े चिड़िया आकाश, फिर करे धरती के आस गांव घर में। तो कितना भी हम आप कुछ भी कर ले, जब तक गांव से, समाज से मिलजुल कर नहीं रहेंगे, तब तक हमारा देश, हमारा समाज, हमारा परिवार ये कभी विकसित नहीं हो सकता है। तो कोई भी व्यक्ति जब तक समाज में मिलजुल कर नहीं रहेगा, उसकी दोषहीनता नहीं हटेगी, तब तक वह पूर्ण दोषहीनता नहीं कहला सकता है। इसीलिए सभी व्यक्ति को अपने, आशा करते हैं कि सभी आदमी अपने ऊर्जा को उत्पन्न करेंगे, अपने एनर्जी को जगाएंगे और
अपने ऊर्जा को अपने ताकत को गलत जगह पर इस्तेमाल न करके दो जगहों पर इस्तेमाल करेंगे। एक एनर्जी का प्रयोग कहाँ करेंगे, एक तो अपने काम में करेंगे और एक समाज के लिए काम करेंगे। और मेरे लिए ये गर्व की बात होगी कि मैं इस सुंदर काम में अपने देशवासियों का नेतृत्व करूँगा, देशवासियों को मैं गाइड करूँगा, आगे आगे चलूँगा, मैं अपना समय बलिदान करूँगा, मैं अपने आप को समर्पित करूँगा इस देशवासियों के लिए, इस देश के मजबूती के लिए, इस देश के कल्याण के लिए। इससे मेरे पास कोई गर्व की बात नहीं होगी, क्योंकि यह मेरा परम उद्देश्य होगा कि मैं घर को बनाऊँगा और सुंदर घर बनाऊँगा, रहने के लायक घर बनाऊँगा, क्योंकि ये पूरा भारत मेरा घर है और इस भारत में जितने भी लोग रहते हैं ये मेरे परिवार है, मेरे परिवार के सदस्य है, और ये मेरा पहला उद्देश्य होगा। मैं कसम खाता हूँ ये मेरा पहला उद्देश्य होगा कि लोगों को मैं नेतृत्व करूँ, सुंदर घर बनाऊँ, एक मजबूत घर बनाऊँ, आकर्षक घर बनाऊँ, ये परम मेरा उद्देश्य होगा। और गाइडलाइन करना, यहाँ के लोगों को आगे आगे चलना, नेतृत्व करना, एक मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात होगी। तो ये कहानी हो गया। अगर इस कहानी को एक दो बार और आप देख लीजिए तो बुआ आपका ऑब्जेक्टिव फटाफट निकल जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं बुआ। सबसे पहले तो मैंने जो कहानी कहा है उस कहानी को आप दो बार सुन लीजिए, ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा, याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप फिल्म देखते हैं, आपसे कोई पूछता है कि गुंडा का नाम क्या है, गुंडा क्या करता था, कब मर गया, कब किसको मारा, तो ये सारी बातें आपको याद हो जाती है। उसी तरह से कहानी को सुनिएगा दो बार, तब जाकर के इसको देखिएगा। ऐसे मैं पढ़ा देता हूँ। पहला है, डॉक्टर जाकिर हुसैन शपथ लिए थे किस रूप में, अंडरलाइन नहीं है तो किस रूप में है तो लिखा जाए, किस रूप में शपथ लिए थे, तो राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए थे। राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए थे। दे देगा ऑप्शन में पीएम, सीएम, डीएम, अ प्रेसिडेंट। तो याद रखिएगा आंसर होगा प्रेसिडेंट। थोड़ा गौर से सुनकर रहिएगा, हम क्या कहना चाह रहे हैं आप लोगों के बीच में। यहाँ प्रेसिडेंट आंसर यही है, ऑप्शन दे देगा, यहाँ ऑप्शन देगा, आंसर यही है। डॉक्टर जाकिर हुसैन शपथ लिए थे किस रूप में, राष्ट्रपति के रूप में। चलिए अब वो मुख्य हथियार है क्या है, शिक्षा है, शिक्षा, यही आपका आंसर होगा। मुख्य हथियार, किसी देश का मुख्य हथियार क्या होता है, शिक्षा होता है, अभी हम लोग पढ़े भी हैं। अब आइए, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे महान, क्या थे महान, वो राष्ट्रवादी थे, शिक्षाविद भी थे, या तो एजुकेशनिस्ट होगा या तो नेशनलिस्ट होगा, देख लीजिएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन महान क्या थे, राष्ट्रवादी नेता थे। भारत इज माई होम क्या है, भाषण है, स्पीच है, जिसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं वो मेरा आंसर होगा। डॉक्टर राधा कृष्णन वाज रोल मॉडल, रोल मॉडल मतलब आदर्श। डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन आदर्श थे किनका, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का। तो आंसर आपका डॉक्टर राधा कृष्णन हो जाएगा, यानी रोल मॉडल मतलब आदर्श, सबसे प्यारे हो डॉक्टर जाकिर हुसैन का प्यारे आदर्श कौन थे हो, तो याद रखिएगा सर्वपल्ली राधा कृष्णन। तो जाकिर हुसैन जी शपथ लिए थे राष्ट्रपति के रूप में, मुख्य हथियार शिक्षा होता है, जाकिर हुसैन जी महान राष्ट्रवादी नेता थे, भारत इज माई होम ये स्पीच है जो भाषण दिए थे, वही ऑप्शन यहाँ देगा, स्टोरी, बिग स्टोरी, स्पीच, ड्रामा, तो जानते हैं स्पीच होगा। रोल मॉडल का मतलब होता है आदर्श, आदर्श कौन थे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का, तो सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी थे।
सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे आदर्श, किनके आदर्श थे वो अब आगे निकलेंगे। थोड़ा गौर करिएगा, खूब सुनिएगा, जितना सुनिएगा ज़्यादा दिमाग होगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रवेश किए थे ऑफिस में, यानी पद पर, राष्ट्रपति के पद पर, ऑफ द प्रेसिडेंट इन राष्ट्रपति के रूप में, स्पिरिट ऑफ प्रेयर, फुल ह्यूमैनिटी एंड टोटल डेडिकेशन। कहने का मतलब राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन बने थे, प्रवेश किए थे इस ऑफिस में, किस ऑफिस में, राष्ट्रपति के पद पर, कैसे, पूरा समर्पण भाव से। वो बोले थे कि मैं विनम्रता से, नम्रता से और पूरा समर्पित भाव से मैं राष्ट्रपति बना हूँ, पूरा समर्पित अपना त्याग बलिदान कर दूंगा। तो मेन याद रखना है टोटल डेडिकेशन। अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन द वैल्यू रिमेन इंटरनली वैलिड। थोड़ा गौर करिए, अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन जी के अनुसार वो वैल्यू, जो मूल्य होता है, वह रहता है, क्या रहता है, वो वैलिड रहता है, बाहर तक वैलिड रहता है। कहने का मतलब मूल्य, ईमानदारी क्या होता है, वैलिड होता है, वैध होता है। ईमानदारी तो हमेशा वैध होती है। थोड़ा गौर करिएगा, प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ कल्चर एंड बिजनेस ऑफ एजुकेशन, क्या समझना है, संस्कृति का विकास प्रक्रिया है, किसका प्रक्रिया है, बिजनेस ऑफ एजुकेशन शिक्षा का काम है। संस्कृति को लगातार विकसित करना किसका काम है, वो शिक्षा का काम है। फिर समझिए, संस्कृति की विकास की प्रक्रिया कौन करता है, एजुकेशन करता है, ये शिक्षा का काम है। बिजनेस का मतलब यहाँ काम होगा, व्यवसाय यानी काम। अब आगे चलते हैं, काम जो अपने लिए आदमी करता है उसे क्या कहते हैं, इंडिविजुअल कहते हैं। इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत, अपने लिए। काम जो खुद के लिए होगा वो किसके लिए होगा, व्यक्तिगत होगा, अपने लिए होगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, क्या थे वो, महान फ्रीडम फाइटर्स, स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे और प्रसिद्ध शिक्षाविद भी थे। क्या कहना है हमें आप लोगों को, 10 में डॉक्टर हुसैन क्या थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और महान शिक्षाविद थे, प्रसिद्ध शिक्षाविद थे। अब आप कहिएगा, सर डॉक्टर जाकिर हुसैन तो राष्ट्रवादी भी थे, नेशनलिस्ट भी थे। हाँ थे, कोई एक ही ऑप्शन रहेगा ना, हो सब ऑप्शन नहीं रहेगा। आप शक मत करिए, आप ये ध्यान में रखिए, अगर रहेगा भी तो ए एंड बी करके रहेगा। मेन याद करना है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे, स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे, महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे और प्रसिद्ध शिक्षाविद थे। डॉक्टर हुसैन बोले थे कि पूरा भारत मेरा घर है। कौन बोले थे, डॉक्टर हुसैन बोले थे, कहाँ, अपने भाषण में, हो याद करना होगा, प्रेसिडेंशियल स्पीच, राष्ट्रपति पद के भाषण में डॉक्टर जाकिर हुसैन बोले थे पूरा भारत मेरा घर है। कब बोले थे, तो प्रेसिडेंशियल स्पीच होगा। प्रेसिडेंशियल स्पीच का मतलब होगा राष्ट्रपति पद के भाषण में बोले थे। या ये भी पूछ देगा कि किसने बोला था पूरा भारत मेरा घर है। चार गो ऑप्शन रहेगा, महात्मा गांधी, जॉन मिल्टन, मनोहर मालगोंकर, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो आंसर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो आप याद रखिएगा, जितना समझिएगा उतना अच्छा होगा आपके लिए। आइए 12 में, डॉक्टर राधा कृष्णन हो नेवर लॉस्ट हिज फेथ, अपना विश्वास कभी नहीं खोए थे। हो डॉक्टर राधा कृष्णन अपना विश्वास कभी नहीं खोए थे। कहाँ हो, असेंशियल ह्यूमैनिटी, आवश्यक मानव में,
ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, कहने का मतलब आदमी के विश्वास में, आदमी के विश्वास करने से अपनी कभी जो है वह विश्वास नहीं खोए थे। आदमी को इज्जत मिले, हक मिले, इससे कभी पीछा नहीं हटे थे। अब क्या डॉक्टर जाकिर हुसैन बने थे प्रधानमंत्री, कब बने थे वो? तो प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति बने थे। कब बने थे वो? 1967 में बने थे। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति कब बने थे वो? 1967 में, तो याद रहेगा आपको। आगे चलते हैं। अर्लियर मतलब पहले, पहले ही राज्यपाल थे कहाँ के हो? बिहार के। याद रखिएगा, चार वो स्टेट का नाम दे देगा। डॉक्टर हुसैन कसम खाए थे खुद में दयावान होने का, निष्ठावान होने का। किसके प्रति हो? भारत के संस्कृति के प्रति। जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वही आपका आंसर है। डॉक्टर जो हुसैन, डॉक्टर हुसैन कसम खाए थे दयावान होने का, समर्पण अपने भाव को करने का, समय का करने का, किसके प्रति? भारत के संस्कृति के प्रति। हु वाज ओवरवेल्म्ड, कौन थे बहुत खुश राष्ट्रपति बनने के बाद? बहुत खुश कौन थे वो? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। ये आपका आंसर होगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। तो क्या आपको याद नहीं रहेगा 16 ऑब्जेक्टिव अभी तक नीचे हैं? बाद में हम फिर आपको ट्रिक उड़िक बताएंगे। फिलहाल बने रहिए 98 पर, रमाज इंग्लिश क्लासेज पर। आप देख रहे हैं इट्स रामा इंग्लिश, इट्स वेरी हॉट। हु हैज टेकन द ओथ, शपथ कौन लिए थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन शपथ लिए थे। शपथ कौन लिए थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी शपथ लिए थे। याद रहना चाहिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी शपथ लिए थे। अब हो लोगों के, भारत के लोगों के, भारत के लोगों के प्रति आभार, बहुत आभार व्यक्त करते हैं। भारत के लोगों के प्रति बहुत आभार व्यक्त करते हैं कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो जीते थे तो अब लोगों को आभार व्यक्त करते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन भाषण दिए थे, कब दिए थे? 1967 में, ये तो आपको पहले से ही पता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन तो हो गया। राधा कृष्णन लाए थे राष्ट्रपति के कार्यभार की अवधि को अपने वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, का मतलब होता है हो धन के अनुभव से, ज्ञान से, विद्वता से। याद रखिएगा, यहाँ डॉक्टर जाकिर हुसैन मत लिख दीजिएगा, यहाँ डॉक्टर राधा कृष्णन वाला ऑप्शन को कलर करिएगा, फिर समझ लीजिए। क्योंकि हुसैन जी बोले थे कि राष्ट्रपति के कार्यभार की अवधि को वो अपने ज्ञान से, विद्वता से, समर्पण भाव से, कौन कार्य अपने राष्ट्रपति के कार्यभार की अवधि को बहुत अच्छे से संभाले थे कौन? डॉक्टर राधा कृष्णन। ये बोल रहे हैं हुसैन जी। याद रखिएगा, अपने अनुभव के निहाई से, अनुभव के अनुभव से, ज्ञान से राष्ट्रपति के कार्यभार की अवधि को संभाले थे कौन? डॉक्टर राधा कृष्णन। अब डॉक्टर जाकिर हुसैन चाहते थे कि भारत के लोग व्यस्त रहे दो प्रकार के काम में, कौन? एक अपने लिए काम करे और एक समाज के लिए काम करे। बस वर्ड मीनिंग याद कर लीजिए, थोड़ा कहानी को सुन लीजिए, ऑब्जेक्टिव तो बिना मतलब में याद हो जाएगा। अब देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन चाहते थे भारत के लोग व्यस्त रहे दो प्रकार के काम में, एक तो अपने आप में काम करे और समाज के लिए काम करे, एक अपने आप के लिए काम करे और एक समाज के लिए काम करे। अब देखिए क्या कहते हैं, डॉक्टर हुसैन बहुत रोमांचक थे विश्वास करके, कहाँ अपने लोगों में, तो हो भी गया है। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते थे कि हो पुरानी संस्कृति हमारा बर्बाद नहीं हुआ है, न होने देंगे। इट मतलब यह, अलिव मतलब जीवित है, और डायनेमिक मतलब क्या होता है? गतिशील है, डायनेमिक है, गतिशील है। पुरानी संस्कृति न मिटा है, न मिटने देंगे, या आज भी जिंदा है और गतिशील है। हम त्याग सकते हैं परिणाम को, किसके लिए? संकट के लिए। हो अगला चलते हैं,
देश जो है, राज्य जो है, हम लोग का जो राज्य है, ये शक्ति का संगठन नहीं है, शक्ति से नहीं चलता है, तो किसका संगठन है? मोरल ऑर्गेनाइजेशन आंसर होगा, नैतिक संगठन है, नैतिकता का संगठन है। अच्छे विचार से देश चलती है, ताकत से देश नहीं चलती है। लेखक अथर मतलब लेखक कौन है? भरत इज माई होम का लेखक कौन है हो? डॉक्टर जाकिर हुसैन है। भरत इज माई होम का लेखक कौन है हो? डॉक्टर जाकिर हुसैन है। तो आपको बुआ याद रहेगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन लेखक है किन का? हो भरत इज माई होम का। बस एक बार इसको झलक देख लेते हैं। अगर आपको लगता है प्रॉब्लम है, मैं बार बार बोल रहा हूँ प्रॉब्लम नहीं होगा, ना होने देंगे, दो मिनट और बने रहिए आप मेरे साथ। इसको चटवा देते हैं। आइए ऊपर से। डॉक्टर हुसैन शपथ लिए थे राष्ट्रपति के रूप में, वो मुख्य हथियार शिक्षा होता है। डॉक्टर हुसैन राष्ट्रवादी नेता थे। भरत इज माई होम एक भाषण है, स्पीच है। राधा कृष्णन रोल मॉडल थे डॉक्टर जाकिर हुसैन के। डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति के पद पर पूर्णतः समर्पण भाव से प्रवेश किए थे, कार्यभार की अवधि को संभाले थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन बोलते हैं कि किसी व्यक्ति का हो वैल्यू जो रहता है, वैलिड रहता है बाहर तक, हो किसी भी देश का विकास कब होता है, वो मेन काम शिक्षा का है। कोई भी काम व्यक्ति जो करता है तो अपने लिए करता है, तो उसको क्या व्यक्तिगत इंडिविजुअल कहते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे? महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे और प्रसिद्ध शिक्षाविद थे। डॉक्टर हुसैन हो भारत इज माई होम वह क्या है? तो राष्ट्रपति पद का भाषण है। जब राष्ट्रपति पद का इन्होंने भाषण दिए थे, उस समय का स्पीच है। डॉक्टर राधाकृष्णन जो है, कभी विश्वास नहीं खोए थे कि इसमें आदमी में मानव को हक मिले, इससे वह कभी पीछा नहीं हटे थे। उनको अधिकार मिले, कभी इससे पीछा नहीं हटे थे बुआ। डॉक्टर हुसैन क्या बने? राष्ट्रपति कब बने? इतना में उसके पहले बिहार के राज्यपाल थे, वह कसम खाए थे अपना समय समर्पित करेंगे किसके प्रति? भारत के संस्कृति के प्रति। बहुत खुश थे। कौन खुश थे हो? डॉक्टर जाकिर हुसैन खुश थे। कसम कौन खाए थे? हुसैन जी। आभारी कौन थे? हुसैन जी। भाषण कब दिए? इतना में राधा कृष्णन अपने राष्ट्रपति के कार्यभार की अवधि को बहुत अच्छा संभाले थे। कौन संभाले थे? तो डॉक्टर राधा कृष्णन हुसैन जी बीजी चाहते थे कि मेरे देश के लोग बीजी रहे अपने काम करने में और समाज के काम का कल्याण करने में। हो बड़ा खुश थे। कौन खुश थे बुआ रे? डॉक्टर जाकिर हुसैन बहुत खुश थे अपने लोगों में भरोसा करके, जो लोगों ने इनको जिताया था उससे यह खुश थे। आगे चलते हैं। डॉक्टर हुसैन कसम खाए थे दयावान ईमानदार रहने का, किसके प्रति? भारत के संविधान के प्रति। परिणाम को संकट के लिए त्याग सकते हैं। देश शक्ति का संगठन नहीं है, ये मोरल ऑर्गेनाइजेशन है। और भारत इज माई होम के लेखक कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन है। हो इनका जन्म कब हुआ? 1897 में। मर गए कब? 1969 में। याद रखिएगा, ये जन्म कहाँ लिए थे? हैदराबाद में। हो थोड़ा गौर करिएगा, ये इनको लोग मुखिया बना दिया, भारत के कितने दिनों के लिए जानते हैं? एक निश्चित समय के लिए मुखिया बनाया जाता है, 5 सालों की अवधि होती है। और डॉक्टर जाकिर हुसैन बोले हैं किसी भी हो किसी की ताकत का यूज होना चाहिए अपने दोहरी काम में, नैतिकता में, मोरल पर्पस में होना चाहिए। और
वर्तमान का गुण भविष्य के गुण में क्या है, निहित है। पूरा भारत मेरा घर है, किसने बोला था, डॉक्टर हुसैन जी बोले थे। कब बोले थे, राष्ट्रपति के जब शपथ ग्रहण किए थे तब बोले थे। हो राष्ट्रपति डॉक्टर हुसैन जी का गहरा संबंध होता था, गहरा लगाव होता था, किनसे हो, किनसे होता था गहरा लगाव, हो शिक्षा से, शिक्षा के, शिक्षा से शिक्षित लोगों से इनका गहरा लगाव होता था। ये सब कौन बोले हैं, डॉक्टर हुसैन जी बोले हैं। अगर इतना समझ गए 25-30 ऑब्जेक्टिव तो गारंटी एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा बउआ। पिछले बार भी हम गारंटी लिए थे 100 में 100 का, यूट्यूब पर अभी है वो वीडियो पिछले साल का, तो भरोसा रखिए। बिहार में आपको सबसे अच्छा इस प्लेटफॉर्म पर रिजल्ट और नॉलेज मिल सकता है। कहने के लिए जानते हैं, कुछ लोग अपने दुख से कम दुखी होते हैं, दूसरे के सुख से ज़्यादा दुखी होते हैं। हम ये कहेंगे कि बने रहिए, लेसन 2 भी मेरा आज ख़त्म हो गया। अब अगला वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर और समरी लेकर आएंगे, उसके बाद 2 लेसन मेरा ख़त्म हो जाएगा तो हम टेस्ट लेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। देखेंगे हमारे बच्चे कैसे चल रहे हैं, कैसे गुजर रहे हैं, कैसे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करते रहिए समय पर, ताकि आपका भी कल्याण हो। ऑफलाइन बैच जैसे खुलेगी, जैसे थोड़ा स्थिति ठीक होगी, हम आपकी बैच खोल देंगे। फिलहाल पढ़ते रहिए, और उसके बाद अगर एडमिशन नहीं हुआ है तो ले लीजिए, क्योंकि एक सप्ताह के बाद हम चले जाएंगे ऐप पर, जिनका एडमिशन हुआ है वही वीडियो देख सकते हैं। तो शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, आप लोगों का प्यार मिलता है इसीलिए हम रोज आते हैं आपके बीच में। तो फिर तब तक के लिए हम अनुमति लेते हैं, अगले वीडियो में हम मिलते हैं आपसे। फिर पहले तो कहानी सुन लीजिए, तब ऑब्जेक्टिव अपने आप याद हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर भी याद हो जाएगा, समरी भी याद हो जाएगा। समरी और क्वेश्चन आंसर का ट्रिक हम अगले वीडियो में बताते हैं। बाय, गुड नाइट।